तो दोस्तों बात ऐसी है कि अप्रैल मई के महीने में यूरोप गए थे स्टैंडअप टूर करने, उसके दो महीने पहले गए थे यूके। तो जैसे यूके में हमारे साथ अजीब अतरंगी विचित्र चीजें हुई, यूरोप ने एक लेवल ऊपर का प्रबंध करके रखा था। तो दोस्तों पेश है आपकी खिदमत फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शो से कंप्लीटली अनरिहर्स्ड अनस्क्रिप्टेड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट फुल एंजॉय जोक्स फ्रॉम यूरोप। क्या हाल है सबके, सब बढ़िया? ज्यादा ही खुश हैं यहाँ लोग। कहाँ से आ रहे हैं? बॉन। कोलोन। एक पहले मुझे ये बताओ, वहां तो मैं वहां में आता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया, वहां मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया। पर वो जो कोलोन था अच्छा भला, उसका वो कोलन क्या करा हुआ है? वो क्या करा हुआ है उसका वो? ये वही इंडिया वाली आते छोड़ी ना किसी ने कि इलाहाबाद का प्रयागराज कर दो, कोलोन का कोलन कर दो। अच्छा भला कोलोन, अच्छा बहुत सारे कोलोन ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? खेल। अब्बा इसीलिए नहीं मैं आ रहा, मुझे पता नहीं जाना का। लोग पूछ रहे कहाँ शो, मैं कब क्या, ये तीसरा शो है यहाँ फ्रैंकफर्ट से लेफ्ट लेके दो घंटे बाद आते। अच्छा मुझे फुल हाउस है। कौन? फुल हाउस शो का और क्या? कहाँ है फुल हाउस? ये आप मैरिज और खाली देख रहे हैं आप? ये जो लेडी संगीत के लिए बुक कराया है इन्होंने, कहाँ से फुल हाउस? वो देखो साइड पे दूल्हे की साइड खाली है, दुल्हन की साइड खाली है, बीच में दोनों के यार दोस्त आए हैं गोलगप्पे खाने। यही रीजन है मैं खेल नहीं आया। क्यों? क्योंकि टिकट बिकी 24, क्योंकि पहले वो राहुल सुब्रमण्यन आ गया, फिर वो आकाश गुप्ता आ गया, कलोन वालों के पैसे खत्म हो गए। वो कह रहे हर महीने थोड़े दे देंगे 30-30 यूरो। 40 का है? नहीं मेरे को तो जो PNL आया मेरे पास हिसाब किताब, मेरे में 30 के हिसाब से कैलकुलेशन आई है, 40 के हिसाब से। नहीं आपको क्यों बोलूं मैं? क्या बताया उन्होंने मुझे? नहीं इसने मुझे बताया 40 यूरो। आप है नहीं, आप तो झूठ बोल रहे थे कि हाउसफुल है। क्या हाउसफुल है? आंके आप चक्षु खोलो आप। हैं पीछे तक बैठे हैं लोग, हैं ठीक है, मतलब शो लायक हैं। हाँ शो लायक हैं। 100 से ज्यादा है। इन्होंने मुझे 80 की कैलकुलेशन भेजी जरा। कौन से ग्रुप? कोई ग्रुप भी है? मेरे शो के लोगों का डेटा लेके इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि अभिषेक उपमन्यु की टिकटें बेच सकें, उससे बिक जाएंगी खुद से, सिर्फ हमें धक्के खाने पड़ते हैं यहाँ। वो अभी मैं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी आ रहा था, वेन्यू एंटर कर ही रहा था तो गौरव कपूर का फोन आ गया। कह रहा कि क्या हाल है? मैं कहा कुछ ठीक नहीं है ज्यादा खास। तो उसने लाइन से शुरू करा, कह रहा खाना कैसा है? मैं कहा ओहो, मैं कहां से शुरू करूं? अच्छा जो मैंने देखा है इंडिया के बाहर ना, मैं जब भी गया हूं, जहां गया हूं उसके अलावा खाना बहुत सही है। यहां पे भी टर्किश खाना बहुत शानदार है। अच्छा फिर मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए कल मैं गया जर्मन रेस्टोरेंट, मैं गया, मैंने दिखाया जिगरा। और मुझे अच्छा क्या है कि एक समझदार इंसान की खासियत ये होती है कि वो ना थोड़ी सी रिसर्च करके जाता है। पर समझदार तो हम है नहीं, तो हम चले गए और जो हमें मेन्यू में ठीक लगा हमने वो मंगवा लिया। क्या मंगवाया? पोक नकल। मुझे नकल लगा ये ऐसा तो कुछ होगा, हल्का सा बेकन टाइप क्रिस्पी सा कुछ दे देंगे। तो मैंने साथ में सूप भी मंगा लिया, मैं कहा इससे तो पेट नहीं भरेगा। वो उसने बस वो बाहर निकला बर्लिन की गली में, उसको जो सुअर दिखा उसने कहा इधर आओ कस्टमर आया आओ। वो उसने पानी से निकाल के धोके दे दिया। मैं कहा मेन्यू में कुकिंग चार्जेस अलग लिखे हैं कहीं?
और मेरे साथ मेरा मैनेजर था, उसको ना ज्यादा भूख नहीं लगी, उसने ना उससे नाचोज मांग लिए, वो बुरा ही मान गई, करो तुझे जर्मन रेस्टोरेंट नाचो नॉट द जर्मन रेस्टोरेंट। मैं जाते उसको कह के मैं कहा वो रख लो एक बार, हमारे जैसा कोई भूला बिसरा आए कभी, वो खा के तो निकले। बाहर निकलते ही मैं कहा KFC कहाँ है ये, क्योंकि उसका पता है कि या तो वो बर्गर देंगे या वो क्रिस्पी टेंडर देंगे या ले देंगे वो भुट्टा, यहाँ पे भुट्टा मिलता है KFC में, भुट्टा दे रहे वहाँ, वो हिमाचल में ऐसे साइड पे लेके बैठे होते हैं वो फूके मार रहे होते यहाँ KFC पड़ गया। अच्छा एक चीज और मैंने देखी कि यहाँ पे ना प्रधानमंत्री ज्यादा इंपॉर्टेंस साइकिल वालों की है ना, होगी आपके पास BMW होगी, वो टूटी सी साइकिल लेके जा रहा है वो, और इनके लिए बकायदा वो लाल रंग की सड़क है, हैं बकायदा अलग से इनका है सारा प्रोग्राम। अच्छा देखो अब मेरे जैसे बंदे को नहीं पता है सब, हमने जो अपना हीरो डेविल था वो 10वीं क्लास में छोड़ दिया था, उसके बाद तो हम है ना साइकिल को तो हमारे वहां कहां इज्जत मिलती है, यहां पे साइकिल पे सब कर रखा है, सामने बच्चा लाद रखा है पूरा पूरा। पूरा बकायदा बच्चा बिठा के चल रहे हैं लोग आगे यार, मतलब अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि बच्चा बाई चांस अगर बच्चे को कुछ हो गया, मतलब बाई चांस साइकिल गिर गई भगवान लग रहे ठीक है, बच्चा कुछ नहीं कर पाया, 3.5 दिन का बच्चा है वो, 3.5 दिन उसका बगल में कुत्ता पड़ा था, उससे वो उठा के लेके चल रही। हमारे यहां 3.5 वालों को तो बाहर निकालना छोड़ो, उसकी फोटो नहीं डालते इंस्टाग्राम पे, कह रहे नजर लग जाएगी। दादियां नानियां इनको होता है कि संदूक में डाल दो बच्चा, बच्चे को हवा ना लग जाए, नहीं दे देंगे ऑक्सीजन बाद में, बच्चा अभी बंद कर दो बच्चा। यहाँ पे वो आंटियां खुले लेके घूम रही हैं बिल्कुल, और यहाँ पे लाद के अपना ग्रोसरी कर रही हैं, यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे दूध, यहाँ पे ऑरेंज जूस। साइकिल वालों की बहुत इज्जत मैंने देखा। अच्छा और साइकिल वालों का ना ट्रैक वो लाल रंग का ना बहुत स्मूथ है ठीक है, आसपास जो हमारी पेवमेंट है वॉकिंग के लिए ना वो थोड़ी कॉबल्ड है हल्की सी, और वो भी जो नॉर्मल सड़क होती है वो भी खुरदरी सी होती है। अच्छा तो अब क्या है कि जहाँ ट्रेन अपना स्टेशन पे मैं उतरा बर्लिन में, वहाँ पे मेरा होटल था कुछ 10-12 मिनट दूर पैदल, तो मैं चलते हैं ठीक है, क्यों इतना फालतू यूरो खर्चा करें हम। अच्छा यूरो खर्चा करते हो चुपता बहुत है, या तो आप कमा रहे हो यूरो में फिर भी तो भी ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ तो सीधा 100 का टेबल चल रहा है सीधे। मैं कहा 10 यूरो मतलब 1000 रुपया, उसमें थोड़ा सा माइनस 800 के आसपास का प्रोग्राम, मतलब 200 का टेबल। आप कहाँ से हो? अच्छा ओ भाई, अच्छा हाँ तो आपको तो इकोनॉमी वाली बात बड़ी चुभी होगी, बड़ी है ना भाई, 200 का बहुत बड़ा हाल है यार। तो अब वहां से निकले, 10-12 मिनट का दूर है, तो हमने अपना वो जो ट्रॉली सी ले रखी हमारा रेड चल रहे हैं, तो वो सड़क खुद रही है और वो पेमेंट अपना कॉबल्ड है थोड़ी सी, और ये लाल रंग का जो ट्रैक है ये अपना एकदम मखमली एकदम, मैं चलते चलते 2 बार स्लिप करके मैं कहा ये तो पड़ा, ये थोड़ा बड़ा सही। अच्छा तो ना मैंने अपना जो ट्रॉली थी मैंने उस पर डाल लिया, और फिर आई एक साइकिल सवार घुड़सवार महिला। देखो जर्मन मुझे नहीं समझ में आती, नहीं मुझे नहीं आती, पर जब कोई जर्मनी में गाली देना तो इतना समझ लग जाता कि शी डज नॉट मीन वेल फॉर मी, मतलब और वो अगली लाल बत्ती तक देती ही गई है, मतलब ऐसा नहीं वो रुकी हो। अच्छा बर्लिन में पहुंचा तो बर्लिन मेरे को क्या क्या भेजा था कि बहुत क्रेजी पार्टी सीन होता, बहुत क्रेजी। अच्छा मेरे को पार्टी करनी नहीं बिकॉज आई एम ऑन दी अदर साइड ऑफ 30s। मैं सही बात, पीपल हियर हु आर 30 अबव प्लीज शो हैंड्स, बॉडी मेटामॉर्फोसाइज नहीं कर जाती उसके बाद है ना, वो रोज रोज कोई नया अंग दुख रहा होता है, रोज डेली
मजाक नहीं कर रहा, मेरे आज यहां दर्द हो रही है, यहां ये कोई जगह दर्द होने वाली। फेफड़े कह रहे हैं कभी सांस भी चढ़वाओ, उनको हमने सिगरेट के सारे छोड़ रखा कि जाओ तुम मरो। और मतलब यहाँ मतलब बचपन में ना जब छोटे होते क्या पता लग रहा है कि कब भाग रहे हैं, कब क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना, तो पानी पी के बंदा जब भागता है तो ये यहाँ पे हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं बक्खी चढ़ जाती है ना, बक्खी चढ़ी ही नहीं कब की, और शराब पहली बियर के बाद चढ़ जा रही है, ऐसे चढ़ जा रही है। यार शो शुरू करना है, इन वेन्यू भी देना है इनको, जरूंडरथल पार्टी रखी हुई है यहाँ पे, जर्मन गिट्टी पार्टी आज इसके बाद